नमस्ते, हम वॉइस ऑफ भारत .org प्रस्तुत करते हैं। मिस्टर उमेश कुमार श्रीवास्तव गाजीपुर से, बताइए सर। हाँ सर, यहाँ जो है लिटरेसी, शिक्षा का, हेलो शिक्षा शिक्षा के स्तर में बहुत ही निम्न गिरावट, बहुत गिरावट है यहाँ। जी शिक्षा के लिए यहाँ बहुत ही जरूरत है। हेलो, हाँ सर बताइए, बोलिए मैडम। हाँ दिक्कत है कि लोग पढ़ा नहीं पाते हैं यहाँ। जिसे शिक्षा का जो स्तर है, प्राइमरी में तो निःशुल्क गवर्नमेंट दे रही है शिक्षा, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं नहीं है कि लोग पढ़ा पाए। और जो हायर एजुकेशन है उसमें इतनी महंगाई है कि गरीब लोग बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो मजदूरी करके किसी तरह से अपना लोग जीविकोपार्जन करते हैं। कोई खेती का काम करता है, बहुत ज्यादा खेती भी नहीं है इस तरह से, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है इस तरह, बेरोजगारी का चरम सीमा है यहाँ। उसी में लोगों की रेतबाजी भी आती है, वहीं जाते हैं पता चलता है कि फिर कोई समस्या आ गई, परिवार भी बेचारा अनाथ हो गया, भूखो लोग मर जाते हैं, दिक्कतें बहुत है यहाँ। समस्या पूर्वांचल का, चूंकि ये बेल्ट है ना यूपी, तो पूर्वांचल का यूपी, ईस्टर्न जो यूपी है, ये बहुत ही, और यहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के तरफ झुकाव ज्यादा है, जी क्योंकि बेरोजगारी है, इसलिए ऐसे लोग 200-400 रुपए के लिए पीने के लिए कुछ असलहे से, कुछ लोग इस तरह से बेरोजगारी पैदा किए हुए हैं। कुछ लोग के हाथों में लोग कठपुतली बन के खेलते हैं, जी नहीं है लाइट की कहाँ व्यवस्था, बिजली तो मिलेगी ही नहीं लोगों को, जी बिजली तो 10 घंटा कहीं 8 घंटा कहीं, शहरों में नहीं रहती है तो बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए।